हेलो एंड वेलकम टू इन्वेस्टमेंट पे चर्चा। माय नेम इज नवीन सोनी। आपके पर्सनल फाइनेंस के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं और आपको बताते हैं कैसे आप अपने गोल्स को फुलफिल कर सकते हैं और वेल्थ भी बिल्ड कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन सी चीजें हैं जो कि आपके इन्वेस्टमेंट की एनिमी है, दुश्मन है। उन्हीं के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है भावेश भट्ट, हु इज द प्रेसिडेंट एट गल्ला भंसाली स्टॉक ब्रोकिंग। भावेश, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले जो एक नंबर वन दुश्मन है वो क्या है आपकी इन्वेस्टमेंट्स का? अगर फर्स्ट एनिमी इफ हैव टू काउंट फॉर इन्वेस्टमेंट्स, यू नो, इट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। आई टर्म इट एज, वन इज अ टेलीविजन इन्फ्लेशन, ओके, जो गवर्नमेंट रिलीज करती है, जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स, यू नो, 6% 7%, सो दैट इज वन इन्फ्लेशन। द अदर इन्फ्लेशन व्हिच आई रियली रिफर इन एनी प्लानिंग इज लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, ओके, सो व्हिच इज इन डबल डिजिट। So, let's say a servant की सैलरी है या फिर योर होम एक्सपेंसिस है, year on year if you count, last year कितना था और ये साल कितना है, so if you really calculate it, it is not 5-6%, it is much more. इसमें add कर लो आपके travel expenses, your luxury expenses, your comfort expenses, like buying a car or, you know, going for a vacation. So, if you count everything, then you really need to plan for it, because otherwise your wealth is growing, but अगर inflation से better rate पे अगर grow नहीं कर रहा है, तो actually you're not growing, but आपकी wealth कम हो रही है। अब बात करते हैं लोगों के investment pattern की, वहाँ पर क्या गलतियाँ होती हैं? अक्सर लोग tips के basis पर invest कर देते हैं। How big an enemy is that? Tips पे क्या है कि it's not possible, और ये मेरे friend ने फलाना ने यहाँ पे ये पैसे बनाए हैं या फिर whatever, it really doesn't help us in life, because उसका क्या गोल है, वो पैसे उसके सरप्लस मनी है और वो मे बी ही कैन राइट इट ऑफ, इट डजंट मैटर टू हिम, बट अपने लिए मे बी इट्स योर कोर मनी कॉर्पस विच योर इन्वेस्टिंग, अगर वो है तो देन यू हैव टू बी रियली केयरफुल अबाउट इट। सो इट्स वेरी रिस्की, आई वुड से। एंड टिप्स में नॉर्मली टिप्स जब बार आती है तब तक मोस्ट ऑफ द टाइम द स्टोरी इज ऑलरेडी ओवर, जब जनता को सबको मालूम पड़ता है। सो आई रियली डोंट रेकमेंड यू टू बी रियली केयरफुल ऑफ इन्वेस्टिंग ऑन टिप्स। वन ऑफ द अदर मिस्टेक्स पीपल मेक कि जब आपका एक मजबूरी में टैक्स बचाने के लिए टाइम आता है, यूजुअली अराउंड दिस टाइम या जनवरी फरवरी, तब लोग इन्वेस्ट करते हैं और वो अक्सर ऐसी जगह इन्वेस्ट कर बैठते हैं जहां पर शायद उनको नहीं करना चाहिए। तो ये सिर्फ टैक्स के लिए इन्वेस्ट करना, क्या आप इसे भी इन्वेस्टमेंट का एक दुश्मन मानेंगे? Absolutely. So anything which is done in desperation, it turns out to be not a right decision. You know, and typically you have a deadline of, let's say, December 15th or Jan 15th to be last one. You know, नहीं तो आपके tax कटने वाले. And this happened in most of the cases for salaried employees. Even businessmen, they would want to do it before 31st March. They'll end up the product which they don't need it, but they just do it because they want to save the tax, and they are actually stuck for long commitment without really understanding the product. So it really turns out to be a big negative for them, and then they realize that ye to paise atak gaye hain. So you need to really understand well where you are investing, how you are investing, and ideally what we suggest to our clients is, tax planning karna hai to jo ELSS funds hai usme aap April mahine se hi chalu kar dijiye. Okay, so, last year ka aapka tax planning देख लीजिए कि how much was the tax coming depending on the income, and based on that you start from April only, so that is something which is recommended, so it works out well, so that उसमें value averaging भी हो जाता है, you don't leave it towards the end, and उसमें क्या है कि cash flow में कोई stress भी नहीं रहता है, क्योंकि अब सब अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं गूगल की एज पे, चाहे वो किसी बीमारी की मेडिसिन देखना है या इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं कोई अपॉर्चुनिटीज देखना है, ये क्या फेटल हो सकता है? Is that also an enemy for your investments? Yeah, absolutely. So I tell you a story. I had visited a doctor. तो उन्होंने बोला था कि अगर आप गूगल कर रहे हो तो आप बाहर ही रुक गए, आप अंदर नहीं आए। You know, simple एक कहावत है कि रेयर व्यू मिरर इतना छोटा क्यों होता है और विंडशील्ड इतना बड़ा क्यों होता है? रेयर व्यू मिरर जस्ट टू गिव यू पर्सपेक्टिव, बट यू नीड टू लुक अहेड, आगे यहाँ से क्या रिटर्न बढ़ने वाले हैं। 100% लास्ट ईयर मिला है, क्या नेक्स्ट 3 इयर्स भी 100% मिलता रहेगा? द लॉ ऑफ एवरेज डोंट शो दैट,
So you have to be really wary about where you are investing. Okay. Last thing, abrupt investment, यानी बिना सोचे समझे invest कर देना, क्या वो भी आप एक count करेंगे कि आपकी investment का दुश्मन है? Oh yes. So basically, what happens is that people feel के यार ये XYZ जगह पे I'm getting a property, which is very good. मतलब बहुत सस्ते दाम पे है और यहाँ पे एयरपोर्ट आने वाला है एंड यहाँ पे रेट इतने बढ़ जाएंगे. But then you actually dive deep के भाई return कितना छूटा? Rental yield is about 2-2.5%. अच्छा, ये it is based on lot of ifs and buts. So you need to understand, see your goals, how they are aligned to it, understand the risk, understand the product itself, और आपको ये खुद को जचना चाहिए कि will it really help me in my overall scheme of things? Then only you should invest. नहीं तो क्या है कि पैसे तो डाले बट कितने रिटर्न आएंगे, कितने टाइम में आएंगे, व्हाट इज द लिक्विडिटी इन इट, व्हाट इज द टाइम होराइजन, इज इट रियली मैचिंग टू योर गोल्स. यू नीड टू लुक एट ओवरऑल थिंग्स एंड देन ओनली इन्वेस्ट एंड नॉट अब्रप्टली. ओके, आई होप आज हमने जो बताए हैं इन्वेस्टमेंट के दुश्मन, जो एनिमीज ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं, उनका ध्यान आप रखेंगे. और हमारा एक एपिसोड था फ्रेंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पर, वो भी आप देखकर तय कर सकते हैं कि कौन आपके दोस्त हैं, कौन दुश्मन हैं, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट्स ग्रो करें, आपके गोल्स को पूरा करें. थैंक यू सो मच भावेश आज हमारे शो में शामिल होने के लिए. थैंक यू नवीन, थैंक यू सो मच. आज के शो को यही वाइंड अप करेंगे. अगर आपके कुछ सजेशंस हैं या फीडबैक है तो हमें लिखिए कॉमेंट सेक्शन में. This is Naveen Soni, your host, signing off. Thank you so much for watching. An investor education and awareness initiative by Aditya Birla Sun Life Mutual Fund. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Mutual fund निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है. Scheme संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें.